स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो भी उत्तर प्रदेश आयुर्वेद के जो स्टूडेंट हैं, जो जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं और डी फार्मा का जो कोर्स कर रहे हैं, उनकी जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो कब तक आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, इस सारी चीज़ों पे इस वीडियो में बात किया जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं, जीएनएम फर्स्ट ईयर में है, जीएनएम लास्ट ईयर है, या प्रसूति का एग्ज़ाम देना है, तो इनको अपने एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा कमेंट भी हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट भी आप कर रहे हो कि सर हमारे एग्ज़ाम कब होगा। तो हमने सोचा कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी जाए और आपको बताया जाए कि आपके एग्ज़ाम की एग्जैक्ट डेट क्या होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जितने भी यूपी के जो भी आयुर्वेद जीएनएम जिनको उपचारिका कहा जाता है, उपचारिका आयुर्वेद उपचारिका कहते हैं इनको, और जो डी फार्मा हैं, डी फार्मा आयुर्वेद से जिनको भेषजिक कहा जाता है, भेषजिक, तो आयुर्वेद भेषजिक और उपभेषजिक अब से जो है आपके जो आपका जो पोस्ट होगा उसको भेषजिक और उपभेषजिक नाम से जाना जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो भी लोग भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे आयुर्वेद फार्मासिस्ट की और आयुर्वेद जीएनएम की, आप सभी को पता होगा कि हमारे द्वारा तैयारी आप सभी की कराई जा रही है पूरे यूपी में। हमसे स्टूडेंट जो हैं जुड़े हुए हैं और आपके जो भर्ती से रिलेटेड जो तैयारी है वो हमारे द्वारा कराई जा रही है। तो इनके जो क्लासेस कोर्स की जो एग्ज़ाम है वह अभी रुकी हुई है, नहीं हो रही है। तो जो जीएनएम वाले हैं, आपको बता दें कि आपका जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर इसका एग्ज़ाम जो है बोर्ड कराता है। ये एग्ज़ाम कौन कराएगा? बोर्ड कराएगा। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जो है वह बोर्ड नहीं कराता है, कॉलेज के जिम्मे होता है। कॉलेज कराए न कराए, इसका फीस ले न ले, वो कॉलेज का विषय होता है। लेकिन थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम है वह बोर्ड के ही जिम्मे होता है, वह भी बोर्ड कराता है। और जो लास्ट ईयर है, जो फोर्थ ईयर जिसमें आपकी इंटर्न होनी है, आपकी ट्रेनिंग होनी है, आपके प्रसूति के जो भी कार्य हैं आपको सिखाने हैं, तो इसमें प्रसूति का पेपर होता है, जिसमें हम इसको प्रसूति नाम से हम लिख देते हैं। तो प्रसूति का पेपर होता है, ये भी बोर्ड कराता है। यह एक पेपर होता है बस, आपका सिंगल पेपर होता है, सिंगल पेपर होता है, जो 100 नंबर की थियरी जिसमें होती है और 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो ये आपका एक पेपर होता है प्रसूति का, ठीक है। जब आप थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दे लेते हो, तीसरे साल का दे लेते हो, तब इस एग्ज़ाम से आपका कोई लेने देना नहीं है। इसके मार्क भी आपके रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते हैं, कॉलेज अपने हिसाब से जोड़ता है। तो क्योंकि हम इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं पूछ रहे हैं कि सर जीएनएम सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कब होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने हैं थर्ड ईयर का, और प्रसूति का एग्ज़ाम जो है ये बोर्ड कराते हैं, तो इन्हीं की डेट आएगी। डी फार्मा की बात करते हैं तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा लास्ट ईयर, मतलब कि सेकेंड ईयर जिसको हम फाइनल ईयर भी लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनका दो साल का ही कोर्स है, तो इनका भी एग्ज़ाम रुका हुआ है। अब आपका जो भी सत्र हो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप किस सेशन में हो। तो इस समय अगर हम बोलें तो जो सेशन एग्ज़ाम होने वाला है उसकी बात बता दें कि फर्स्ट ईयर जो है 2022 और 23 वाला जो सत्र है इनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। 2022 सत्र और 23 वाले जो 2022-23 सत्र वाले जो विद्यार्थी हैं, जो फर्स्ट ईयर के हैं जीएनएम, उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और इसमें भी 2022-23 वाले जो सत्र के जो विद्यार्थी हैं उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। सेकेंड ईयर जो है एग्ज़ाम तो होना ही नहीं है सेकेंड ईयर का, तो डायरेक्ट किसका होगा? थर्ड ईयर का। तो जो 21-22 वाले जो स्टूडेंट हैं, 21-22 वाले, उनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है, तो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम कौन देंगे? जो 2020-21 वाले जो विद्यार्थी हैं उनका ये वाला एग्ज़ाम होगा जीएनएम थर्ड ईयर का, ठीक है। और अगर बात की जाए तो जो 19-20 वाले जो स्टूडेंट हैं, जो 2020
19-20 वाले जो विद्यार्थी हैं उनका ये जो है प्रसूति का पेपर होना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पेपर होगा, बोर्ड कराएगा। तो आप सभी को पता होगा कि आपका जो सत्र है, आपका जो सत्र है वह अक्टूबर से अक्टूबर का है, मतलब कि जो बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो सत्र है, बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये आपके बोर्ड का नाम है, उत्तर प्रदेश के बोर्ड का नाम मेडिसिन यही है। और यह जो बोर्ड है, आपका जो सेशन है इस बोर्ड का, वह अक्टूबर से अक्टूबर का होता है। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें पता होता है कि नहीं, हमारा जो सत्र है जुलाई का है, जुलाई से जुलाई, तो जुलाई में आप एडमिशन ले लिए, तो आप सोचते हो कि एग्ज़ाम जुलाई में क्यों नहीं हुआ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सत्र है वो अक्टूबर का है, तो अक्टूबर में आपका एक साल कंप्लीट होता है और अक्टूबर में ही एग्ज़ाम होना चाहिए। लेकिन आप अगर देखें तो अभी दिसंबर शुरू हो गया और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो एग्ज़ाम नहीं होने के बोर्ड के कुछ पर्सनल जो कारण होते हैं वो होते हैं, तो उस कारणों की बात हम नहीं करेंगे, हम एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं। आपके जो एग्ज़ाम हैं उससे पहले आपके बहुत सारे कॉलेज वाले हैं जिन्होंने खुद का फॉर्म भरवा लिया है, लेकिन बोर्ड का फॉर्म भरने का एक अंतिम जो डेट है एग्ज़ाम फॉर्म का, वो आता है। तो फॉर्म की डेट के लगभग 10 से 15 दिन बाद आपके एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो जाती है। तो आपका जो एग्ज़ाम है लगभग 15 दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम की डेट जो है आ जानी है। उस हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम है, जैसे ही डेट अनाउंस हो जाती है उसके बाद से आपके जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, वो भी सीरियल वाइज आपके सेशन वाइज आपको, कॉलेज वाइज आपको मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है, आपके एडमिट कार्ड वगैरह जो है आपके कॉलेज के मेल पे आ जाते हैं और सारी चीज़ें जो हैं व्यवस्थित होती हैं। तो आपको जो अगर डेट से रिलेटेड जो इशू आ रहा था उसमें हमने आपको एक डेट बता दिया कि 15 दिसंबर तक सारी चीज़ें जो हैं साफ हो जाएंगी और इससे रिलेटेड जो चीज़ है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम की जो डेट है 15 तारीख के बाद आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी और सारी जो इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आ जाएगी। जैसे एग्ज़ाम की डेट आती है और एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ और भी आपको मेरे द्वारा अगर समझ में आता है कि नहीं आपको जानना चाहिए, तो उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, अभी तक जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं या उन्हें नहीं पता है कि कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं, तो आप लोग वहाँ तक वीडियो पहुँचाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।